अपना गोडा फोर्ट देख लिया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक लाइट हाउस भी आगे, मैं नहीं गई वहाँ पे, गर्मी इतनी हो रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, आई होप कैसे अच्छे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज गोवा में है मेरा 6 days और आज हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा। हाँ, और अभी हमें जो हमारा पहला होटल था वहाँ से हमने चेकआउट करके दूसरे होटल में हमने अपना चेक इन अभी नहीं, 11 बजे होगा, लेकिन हमने यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख दिया है और हमने सोचा पहले घूम के आते हैं फिर अपना चेक इन कर लेंगे। ठीक है, तब फिर हम दिखाते हैं कि वहाँ का व्यूज़ वगैरह कैसा है, बताते हैं आपको क्या क्या है वहाँ पे, आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम चलते हैं अपनी स्कूटी से। तो हम पहुंच चुके हैं अगोडा फोर्ट। ओपनिंग टाइम है 9 बजे और क्लोजिंग टाइम है 5 बजे की फीस पे। अगोडा फोर्ट ₹25 पर है, ₹25 टिकट। के हैं अगोडा फोर्ट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। कौन घूमता है ऐसी धूप में, बाप रे। अगोडा फोर्ट पीने का पानी, ड्रिंकिंग शौचालय। ये पानी वाला है, गर्मी है। टिकट चेक, यहाँ कितना ठंडा सा लग रहा है। क्या है चीपर ना। अरे तो जयपुर अलग है, जयपुर तो मेन उसके लिए ही है ना। केला, लोकल केला तो सस्ता होना चाहिए। लोकल गोवा का केला है, छोटे 10 रुपए का खेत में तो होता है। मैंने अगोडा फोर्ट देख लिया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक लाइट हाउस भी आगे, मैं नहीं गई वहाँ पे, गर्मी इतनी हो रही है पर से वो भी कुछ नहीं है बस। ठीक है, बस एक वाइट सा वो उन्होंने चिड़िया वीडियो टाइप के बना रखी है, इसलिए अब दिखाने को फ़ायदा नहीं, मैं आपको फोटो डाल दूँगी उसका। बिल्कुल मतलब ऐसी है, तो गर्मी में मतलब नहीं जाना है वहाँ पे, इसलिए मैं देखा भी नहीं। अब आगे देखते हैं अभी हम कहाँ जाते हैं। ये है लाइट हाउस, है?
यहाँ पे सारे जहाज होते हैं, ये कहाँ जाते हैं? यही पे रहते हैं, खड़े रहते हैं। बस जाते नहीं गई। कैसीनो है उसमें जुआ खाना। अच्छा इसके अंदर कैसीनो है? अच्छा बस इसके अंदर कैसीनो होता है? अच्छा जो बड़े बड़े खड़े हैं उनके अंदर कैसीनो है। अच्छा क्या कहाँ जा रहे हैं? अंदर इसके रुको मैं भी आ रही हूँ। भागो बच्चे भागो, जंगल में आग लगी। अरे जल्दी पहुंचो वरना फेरी निकल जाएगी। इसके अंदर स्कूटी लेके चले गए। फेरी से चले गए फेरी। सही है यार। हम मिलामार बीच आ रहे हैं, जो हम जा रहे हैं इससे ये जहाज है ना, फेरी 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 है फेरी, और इसमें हम स्कूटी लेके आ गए इसके अंदर, और हम इससे जा रहे हैं मेरामार बीच। और ये फ्री है, यहाँ पे इसका कोई कोस्ट नहीं है। ये वेतिम फेरी वॉर्फ है और वेतिम जगह का नाम है, यहाँ से हमें मिली है। और सर कोई भी कोर्स नहीं होता, ये मैं फ्री यहाँ इसमें जा रहे हैं आपका पंजिम तक, और यहाँ से जल्दी शॉर्टकट में पहुँच जाएंगे, वरना हमें वैसे जाते आपका स्कूटी से तो थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता। कैसीनो है? बच्चों के लिए प्ले करने के लिए गेम्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है मीरामार बीच पे, तो हम शाम को या रात को दिखेंगे यहाँ, बाद में आएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हम वहीं रुक सकते हैं वहाँ पे बीच पे ना, इस टैंप पे नील में। हम आ चुके हैं चर्च में, ओल्ड गोवा। चर्च का नाम है अवर लेडी ऑफ ग्रेस, जो है ओल्ड गोवा में। ऐसे लग रहा है तोड़ फोड़ दिया है ये, बिल्कुल एक टावर सा ये, वो भी टूटा हुआ सा लग रहा है पूरा। चर्च के नाम पे तो कुछ नहीं दिख रहा, बट ठीक है। इसमें लिखा है कि चर्च किसने बनवाया था और कब बना था, और सारी डिटेल लिखी हुई है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं और इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो मैंने खाना खा लिया था, और उसके जस्ट सामने जहाँ पर मैंने डोसा खाया है उसके जस्ट सामने ये चर्च है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस।
तो अब चलिए इसके अंदर चलते हैं। और सच में इतनी गर्मी लग रही ना, मेरे बिल्कुल मन नहीं कर रहा कहीं भी घूमने का, चर्च में भी जाने का, बट ठीक है यार जाते हैं, फिर जाना पड़ेगा ना क्योंकि फिर आप आए हैं तो घूमते भी अंदर। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ और, इस चर्च में ना किसी भी चर्च में शॉर्ट ड्रेस अलाउ नहीं है, तो मैंने स्कर्ट वगैरह पहनी हुई, तो मैंने उसे मतलब फुल ड्रेस कर लिया था, मतलब मेडी वगैरह टाइप यहाँ पे आप नहीं पहन के जा सकते हो, आपको फुल ड्रेस जीन्स वगैरह ही पहन के जाना पड़ेगा, मतलब फुल कुछ पहना हुआ आपने। तो दूसरे चर्च जा रहे हैं जो बॉम जीसीएस चर्च के बिल्कुल जस्ट सामने ही है, कैथलिक चर्च सेंट फ्रांसिस ऑफ असीजी। और कितना टॉप नेम है इन चर्च का, है ठीक है। अब जाते हैं, इसके अंदर दिखने में कितना प्यारा लग रहा है बाहर से, इसका व्यू कितना अच्छा है। चलिए अंदर और देखते हैं, वैसे तो यहाँ पे फोटोग्राफी करना अलाउ ही नहीं है अंदर, पूरे तक का संघर्ष है, पूरा है हिस्टोरिकल म्यूजियम, संत कहते हैं टेम्पल, मायने में तो 1 बजे 2 बजे तो अभी हम आए थे चर्च में, और चर्च में ना फोटोग्राफी वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकती थी वहाँ पे। तो अब हम आ गए हैं चर्च ऑफ सेंट कजेस्टन, कजेस्टन द टफ नेम है चर्च का। हाँ तब चलिए चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। बस मैं चर्च के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ। After completing the pilgrimage and the refit process and future process the mission at the Mansa Pune. Hello Ish. Huh? Samadhi? चो मैं यहाँ से नहीं चढ़ी, मैं इधर से आई, तो दोस्तों हमने सारे चर्च वगैरह घूम लिए हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो अब हम लोग जाएंगे जितने भी यहाँ पे एक दो टेंपल है वहाँ पे जाएंगे मंदिर में, और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये मैंने पार्ट वन में आपको दिखाया, तो पार्ट सेकंड में मैं आपको मंदिर वगैरह दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पार्ट सेकंड देखना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Yeah, maybe it will be better.